तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग विल टॉक अबाउट द लिस्ट पार्टीशनिंग। अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड हैश एंड रेंज पार्टीशनिंग। ओके, सो इन द हैश वी नो दैट वी नीड टू पास द रीपार्टीशन मेथड एंड इन द रेंज वी नीड टू पास द रेंज। सो वी हैव डिस्कस्ड विद द सैलरी। ओके, तो हम लोग सैलरी को हम लोग ने एक रेंज बनाई थी, ठीक है, 5000 से कम है, 10000 से कम है, ठीक है, जो हमने रेंज बनाई थी। उसके बाद हम लोग ने पार्टीशन बाय कॉलम में वो कॉलम डाल दिया था, ठीक है ना, पार्टीशन कॉलम। तो पिछली वीडियोस में चेक कर सकते हो। इसमें हम लोग पास करेंगे लिस्ट पार्टीशनिंग के, जिसमें हम लोग लिस्ट पास कर देंगे पार्टीशन बाय के अंदर, ठीक है। जब राइट करने जाएंगे तो हम लोग पार्टीशन बाय में हम लोग क्या डाल देंगे, लिस्ट डाल देंगे। तो सिंपल सा हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट, ठीक है। मैं स्क्रीन दिखाता हूँ आपको। तो अगर आपको स्क्रीन दिख रही होगी तो इसके अंदर डेटा फ्रेम जो बना है वो है आईटी एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का। इधर आप देखोगे मैंने एक लिस्ट दे रखी है, डिपार्टमेंट कॉमा एम्प्लॉय, ठीक है ना। तो डिपार्टमेंट कॉमा एम्प्लॉय मतलब मुझे इसके बेसिस में मुझे पार्टीशन या मेरे को पार्टीशन करना है, ठीक है ना। पार्टीशनिंग जो वर्ड है किस बेसिस में आपको पार्टीशन करना है वो हमेशा कॉलम वाइज ही होता है, ठीक है। चाहे वो आपका रेंज हो जाए, चाहे आपका वो लिस्ट हो जाए, ठीक है। कंपोजिट में भी सेम चीज़ होती है। तो इधर मैं पास कर रहा हूँ कॉलम, ठीक है। उस कॉलम के अंदर क्या है, उस कॉलम के अंदर आपका, ठीक है, पार्टीशन बाय, पार्टीशन बाय यहाँ पे एक्चुअली कॉलम डालते हैं हम लोग। तो कॉलम कौन कौन से, दो कॉलम है, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय, ठीक है। और भी आप मल्टीपल कॉलम्स डाल सकते हो, जैसे आईडी के बेसिस पे भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो पार्टीशन बाई का ये है, अब लिस्ट पार्टीशनिंग ऐसे ही काम करती है, ठीक है। हैश कैसे काम करती है, हैश पार्टीशनिंग, हैश पार्टीशनिंग इसका इंटरनली काम करती है, ठीक है। एक्चुअली हमें कुछ देना नहीं पड़ता उसमें, हमें बस जस्ट पास कर देना होता है। उसमें हैश पार्टीशनिंग और पार्टीशन बाई नहीं होता, ठीक है। उसमें हम लोग सिर्फ रीपार्टीशन कर देते हैं, रीपार्टीशन मेथड कॉल कर लेते हैं और नंबर ऑफ पार्टीशन विद द कॉलम नेम, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर कंपोजिट की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।